हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने मोबाइल के लोकेशन को किस प्रकार से आप ट्रैक कर सकते हैं या फिर किसी और के मोबाइल को लोकेशन किस प्रकार से आप सिर्फ नंबर को द्वारा डाल के आप उसके लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक की वीडियो देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि क्या क्या अक्सर यह होता है कि कभी कभी हमारे मोबाइल गुम हो जाता है या फिर किसी की लोकेशन पता करनी होती है या फिर अनवांटेड कॉल आ जाता है हमारे ऊपर, हमारे मोबाइल के ऊपर, तो हम पता नहीं कर पाते कि ये फ़ोन कहाँ का है, किस कंट्री से आया है, किस स्टेट से आया है या फिर किस जगह से आया है। तो सिंपली सा एक तरीका है, एक वेबसाइट है जो कि आपको रियल टाइम लोकेशन को ट्रैक करके आपको बताती है कि ये नंबर कहाँ का है, किस स्टेट का है। और इतना ही नहीं, ये तो बहुत सारे ऐसे हैं, ये मैप पे भी आपको दिखाती है एग्जैक्ट लोकेशन की कहाँ पे वो, कहाँ से वो फ़ोन कर रहा है या फिर वो नंबर अभी मोबाइल कहाँ पे है। सपोज आप अपने घर वाले को भी इस नंबर के द्वारा ट्रैक कर सकते हैं कि वो अभी कहाँ पे है। तो चलिए, ये इस वेबसाइट का नाम है एसएमएस गेटवे सेंटर। तो चलिए इस वेबसाइट पे हम जाते हैं। चलिए, मैंने इस वेबसाइट को पहले से ओपन करके रखा हुआ और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा कि ताकि आप जाके डायरेक्ट इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसमेट गेटवे सेंटर का मैंने वेबसाइट ओपन कर रखा है। तो चलिए, यहाँ पे आने के बाद हमको यहाँ से आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारे सामने एक विंडो खुलेगा जिस पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पे हमको सिंपली अपना नंबर टाइप करना है। चलिए, मैं नंबर टाइप कर लेता हूँ। चलिए, ये नंबर मैंने टाइप कर लिया और उसके बाद से यहाँ पे आपको क्लिक करना है ट्रैक माई लोकेशन पे। जैसे ही ट्रैक माई लोकेशन पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आपके यहाँ से एयरसेल का सिम है जो कि पहले का था और ऑपरेटर कोड एसी है, एरिया बिहार, एरिया कोड बिहार बक्सर और स्टेट ऑफ बिहार एंड स्टेट ऑफ झारखंड सर्विस प्रोवाइडर जो करता है ये कंपनी, पॉसिबल सिग्नल GSM का आपका है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको रियल टाइम आपको व्यू दिखा रहा है कि आप किस प्रकार से किसी के लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, ये देख लेते हैं कि ये फ़ोन अभी है कहाँ पे। तो यहाँ पे जो डॉट दिखाई दे रहे हैं उस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही ये आपको थोड़ा रियल आपको लुक दिखाई देगा और उसके बाद यहाँ पे हमको व्यू लार्ज मैप पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू लार्ज मैप पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक मैप का ऑप्शन आ जाएगा, मैप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपको ये गूगल मैप के ऊपर ले जाएगा और उसके पास से आपको यहाँ पे, जैसा अगर आप मैप यूज करते हैं तो जानते होंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका ये रियल टाइम आप देख सकते हैं कि कहाँ पे है ये मोबाइल, आप देख सकते हैं, आप इसको जूम करके देख सकते हैं आपकी नेट स्पीड के ऊपर है कि ये कितना जूम हो सकता है। तो देख सकते हैं ये है सासाराम बक्सर चौसा सासाराम मार्ग, यहाँ पे पेट्रोल पंप है और थोड़े से स्पीड को फास्ट होने के बाद आप इसके रियल लोकेशन को, एकदम उसके घर को देख सकते हैं कि ये मोबाइल एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए। अगर आप चाहें तो किसी की भी रियल टाइम लोकेशन को पता कर सकते हैं सिर्फ मोबाइल नंबर डाल के। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।